दोस्तों भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य दूसरा T20 महामुकाबला देखने को मिला। बांग्लादेश टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम के तरफ से पारी की शुरुआत के लिए संजू सैमसंग अभिषेक शर्मा क्रीज पर पहुंचे। भारतीय टीम के संजू सैमसंग 10 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। वहीं अभिषेक शर्मा भी 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम के कप्तान ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार 46 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने पारी में 7 छक्के 4 चौके भी जड़े। वहीं रिंकू सिंह ने भी 53 रनों की पारी खेल डाली। रिंकू ने अपने पारी में 3 छक्के 5 चौके भी जड़े। उसके बाद हार्दिक पांड्या और रियान पराग ने 30 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 32 रन लगाए। वहीं रियान पराग ने भी 15 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 221 रनों का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश की तरफ से रिशद हुसैन को 3 विकेट मिले। वहीं तस्कीन अहमद मुस्तफिजुर रहमान इन दोनों को 2-2 विकेट मिले। 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश के दोनों ओपनर क्रीज पर उतरे। बांग्लादेश के परवेज होसेन इमाम 16 रनों का योगदान दिया। वहीं लिटिन दास ने 14 रन किए। बांग्लादेश के कप्तान ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। वहीं महमूदुल्ला रियाज ने भी 41 रनों की पारी खेल डाली। बांग्लादेश टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के तरफ से वरुण चक्रवर्ती नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले। वहीं बाकी सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिले। इन सभी की मदद से भारतीय टीम 86 रनों के बड़े अंतर से विजयी रहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।